तो एक ना एक दिन वैसे ही तोड़ना है जैसे भारत ने पाकिस्तान को तोड़ा। आप जानते हैं 1971 में भारत के सैनिकों ने बांग्लादेश अलग करा दिया और वो अलग हुआ, उसका दर्द पाकिस्तान को है। तो पाकिस्तान कहता है कि हमारा बांग्लादेश अलग हुआ तो अब हम भारत का जम्मू कश्मीर अलग करेंगे। इसके लिए 71 के बाद से जितने भी पाकिस्तानी शासक हुए सबने आतंकवाद जम्मू कश्मीर में होना चाहिए, अलगाववाद जम्मू कश्मीर में बढ़ना चाहिए, उसके लिए काम किया है, धन भी दिया है और अपने सैनिक भी दिए हैं। और वो आतंकवाद और अलगाववाद जो 72 से चालू है जम्मू कश्मीर में, वो आज इतना बड़ा नासूर है कि भारत के 7,000 से ज्यादा सैनिकों की मृत्यु हो चुकी है या शहादत हो चुकी है जम्मू कश्मीर को भारत में बनाए रखे। जम्मू कश्मीर भारत में रहे उसके लिए संविधान हमारे देश में बदल किया गया, एक आर्टिकल डाला गया 370 जो दुनिया के किसी संविधान में आपको नहीं मिलेगा। उस आर्टिकल के आधार पर जम्मू कश्मीर को एक देश का दर्जा दिया गया है। आप जानते हैं भारत का सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला सुनाए जम्मू कश्मीर में वो लागू नहीं होता। भारत की संसद में कोई भी कानून बनाया जाए वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता। हमारी संसद जब कानून बनाती है उस कानून का पहला पन्ना आप पढ़े, ड्राफ्ट जिसको कहा जाता है, उसमें पहले ही वाक्य में लिखा जाता है एक्सेप्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। ये कानून बनाया जा रहा है जम्मू कश्मीर को छोड़कर। हमारी संसद ने आजादी के बाद ऐसे हजारों कानून बनाए हैं जो आपके ऊपर लागू है, मेरे ऊपर लागू है, लेकिन जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं है वो कानून। उनके कानून उनकी संसद में जिसको वो असेंबली कहते हैं वहां बनते। और आप जानते हैं बहुत साल तक तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को सदरे रियासत बोला जाता था, माने जिसको हिंदी में प्रधानमंत्री कहते हैं। उनका झंडा अलग है, भारत का झंडा अलग है, उनका कानून अलग है, भारत का कानून अलग है, उनका संविधान अलग है, भारत का संविधान अलग है। फिर आप बोलिए कि जम्मू कश्मीर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। वो हमारा झंडा नहीं मानते, वो हमारा संविधान नहीं मानते, वो हमारा कानून नहीं मानते, फिर हम कहें कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, ये किसको मूर्ख बनाने के लिए कहें। आपको सुनकर हैरानी होगी कि भारत की सरकार आपके लिए कोई भी खर्चा करे तो उसकी पाई पाई का हिसाब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया रखता है, लेकिन जम्मू कश्मीर पर हजारों करोड़ रुपए हर साल खर्च होता है उसका हिसाब किसी के पास नहीं। मैंने बहुत बार सीएजी को चिट्ठी लिखा कि जम्मू कश्मीर पर पिछले 7 साल में हमने जो खर्चा किया है उसका मुझे क्लासिफिकेशन चाहिए, डिटेल चाहिए। सीएजी कहता है कि मेरे पास नहीं है। फिर हमने फाइनेंस मिनिस्टर को कहा तो फाइनेंस मिनिस्ट्री से उत्तर मिला कि जम्मू कश्मीर का हिसाब दिल्ली में नहीं रखा जाता, वो जम्मू कश्मीर में रखा जाता है। फिर जम्मू कश्मीर को पत्र गया हमारा, वहां से वापस आ गया कि ये हिसाब हम किसी भी भारतवासी को बताने के लिए मजबूर नहीं। मेरी चिट्ठी मेरे पास आई, वो मानते नहीं कि भारत का अंग है, हम जबरदस्ती कहते हैं कि ये भारत का अंग है। पाकिस्तान वहां आतंकवादी भेजता रहता है, खुराफात करता रहता है, उनके लिए पैसा उपलब्ध कराता रहता है। अब आप सोचेंगे कि पाकिस्तान में इतना दम है कि वो 60 साल से आतंकवादियों को भेज के पैसा खर्च करके इसको चलाए रख सकता है, तो आप सुनकर ताज्जुब करेंगे। पाकिस्तान की दम नहीं है ये सब करने की, पाकिस्तान को ये सब करने के लिए अमरीका उकसाता रहता है। अमरीका है तो पाकिस्तान को पैसा भेजता है, वो पाकिस्तान पैसा जम्मू कश्मीर में भेजता है और वो लश्करे तैयबा, जैशे मोहम्मद, हरकतुल अंसार, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे खतरनाक संगठनों को पैसा मिलता है और वो पैसे से सारे देश में बम ब्लास्ट होते हैं, जम्मू कश्मीर में तो होते हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी, जम्मू कश्मीर में जितने आतंकवादी संगठन है उसमें काम करने वाला एक भी आतंकवादी जम्मू कश्मीर का नहीं है, वो सब विदेश से आए हुए हैं। भारत की आर्मी कहती है कि कुछ 1500 से 2000 आतंकवादी जम्मू कश्मीर में है, वो सब पाकिस्तान से आए हैं, अफगानिस्तान से आए हैं या कहीं दूसरे देश से आए हैं और पैसे पर काम करते हैं। और हमारी सरकार
की कैसी विचित्र है। जम्मू कश्मीर में एक संगठन है जिसका नाम है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, ये छोटी छोटी पार्टियों का एक बड़ा समूह है। इस हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में एक आदमी है, उसका नाम है यासीन मलिक। कभी आपने उसका चेहरा अगर टीवी पर देखा हो तो इतना दुबला पतला सीखिया हड्डी का आदमी है कि आप फूक मारो तो उड़ जाए। मैं सच कह रहा हूं, अगर कोई अच्छा खासा हिंदुस्तानी उसको एक झापड़ मार दे तो जमीन पर तीन पलटियां खाए, इतना कमजोर आदमी है। उसको भारत सरकार ने सुपर हीरो बना रखा है। क्यों? भारत सरकार जब भी बातचीत करती है तो यासीन मलिक से बातचीत करती है, और इस चक्कर में अखबारों में नाम आता है, टीवी पे नाम आता है, वो चर्चा में चढ़ता ही चला जाता है, वो चर्चा अमेरिका तक जाती है तो अमेरिका से सीधे पैसा उसको आना शुरू हो जाता है। आप पूछेंगे कि अमेरिका को क्या इंटरेस्ट है? भारत का जो जम्मू कश्मीर है ये अमेरिका को चाहिए, पाकिस्तान के लिए तो ये बेकार का है। मैं आपको सच बात बताऊं, क्योंकि पाकिस्तान ने जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर ले रखा है उसी को वो संभाल के नहीं रख पा रहा है। जम्मू कश्मीर को क्या है? ये अमेरिका को चाहिए जम्मू कश्मीर। क्यों? जम्मू कश्मीर की सीमा से चीन की सीमा लगी हुई है और अमेरिका और चीन का पुराना झगड़ा है। अमेरिका और चीन एक दूसरे के जबरदस्त दुश्मन है, तो अमेरिका की योजना है कि चीन पर एक दिन हमला करना है, जैसे इराक पर किया। वो हमला करने के लिए अमेरिका के जहाजों को एक ऐसा ग्राउंड चाहिए जहां से हवाई जहाज उड़े और चीन पर जाकर मिसाइल डाले, और वो स्थान जम्मू में है, इसलिए अमेरिका को ये चाहिए। तो अमेरिका बंदूक चला रहा है पाकिस्तान के कंधे पर रख के, और ये बंदूक है कि जम्मू कश्मीर भारत से अलग हो जाए पाकिस्तान संभाल नहीं पाएगा, पाकिस्तान ये अमेरिका को दे देगा, अमेरिका फिर वहां सैनिक अड्डा बनाएगा और वो सैनिक अड्डा एक दिन चीन के खिलाफ काम आएगा। ये है राजनीति। अब आप बोलेंगे जी अगर ये राजनीति चल रही है भारत को बर्बाद करने के लिए तो आप पूछेंगे जी हम क्या करें, आप क्या करें। मैं आपको एक विनम्र निवेदन करने आया कि आप क्या कर सकते हैं इस पूरी राजनीति को सारे देश से खत्म करने के लिए और जम्मू कश्मीर को सच में भारत में वापस लाने के लिए। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो जानते हैं क्या, आप में से जितने भी नागरिक यहां खड़े हैं कभी भी जम्मू कश्मीर घूमने के लिए मत जाइए। आप परेशान हो जाएंगे ये सोचकर। आप कहेंगे जी दुनिया का सबसे बड़ा स्वर्ग है, दुनिया का सबसे खूबसूरत स्थान है, हम जिंदगी भर पैसा कमाते हैं बचाते हैं जम्मू कश्मीर घूमने जाएंगे, और राजीव दीक्षित बोल रहा है कि जम्मू कश्मीर घूमने मत जाइए। मैं ये बात पूरे जम्मू कश्मीर का चार बार प्रवास करने के बाद कह रहा हूँ। चार महीने में जम्मू कश्मीर में रहा, मैंने जो देखा वो आपको मैं बता रहा हूँ। आप यहाँ से यात्री और पर्यटक बनकर जब जम्मू कश्मीर जाते हैं तो आपके ऊपर सबसे ज्यादा टैक्स जम्मू कश्मीर की सरकार लगाती है, जो भारत में कभी नहीं लगता। वो सारे के सारे टैक्स का पैसा कुछ हाथों से होता हुआ आतंकवादियों तक पहुंचता है। सरकार में उनके आदमी बैठे हुए हैं आतंकवादी। आप जानते हैं थोड़े दिन पहले हमारे भारत में जम्मू कश्मीर के एक आदमी को फांसी की सजा हुई है, उसका नाम है अफजल गुरू। ये कश्मीर का है और इसने भारत की संसद पर हमला करने का पूरा प्लान बनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसको फांसी की सजा दे दी है लेकिन उसको फांसी अभी तक नहीं हो रही है। कारण समझते हैं, उस अफजल गुरु को बचाने वाले सरकार में बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं, और थोड़े दिन पहले तक हमारे भारत में एक ऐसा माहौल बनाया गया कि अफजल गुरु की जो फाइल है वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने रोक रखी है। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने रिटायर होने के बाद जो पहला स्टेटमेंट दिया वो ये कि मेरे पास आज तक अफजल गुरु की फाइल आई ही नहीं, रोकने का तो प्रश्न ही नहीं। तो कहाँ है वो फाइल? वो फाइल भारत सरकार के गृह मंत्रालय में है, जिसका मंत्री है शिवराज पाटिल, उसके पास वो फाइल है। राष्ट्रपति तक भेजी नहीं गई है क्योंकि भेजती जाती साइन हो जाता फांसी हो जाती। तो अफजल गुरु को बचाने वाले लोग भारत के गृह मंत्रालय में गृह मंत्री की हैसियत में है। आप किस आतंकवाद को कुचलना चाहते हैं इस देश में, जरा सोचिए।
देश। शिवराज पाटिल के पास फाइल है अफजल गुरु की, और वो फाइल वो आगे बढ़ने नहीं दे रहा है क्योंकि अफजल गुरु को फांसी होगी, और वो फांसी होनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अफजल गुरु एक ऐसे समूह का सदस्य है जो आतंकवाद के नाम पर भारत सरकार से पैसा लूट रहा है और जम्मू कश्मीर के नेताओं को बांट रहा है। एक बहुत बड़ा कॉकस और सिंडिकेट बना हुआ है। दिल्ली सरकार से हजारों करोड़ रुपए जाता है जिसका कोई अकाउंटिंग नहीं है। मैंने आपसे कहा वो अफजल गुरु जैसे लोगों के हाथ में ही पहुंचता है, और वो फिर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री से लेकर तमाम दूसरे मंत्री और अधिकारियों में बंटता है। वो सारा पैसा आतंकवाद रोकने के नाम पर जाता है, और हम उसमें कैसे मदद करते हैं? हम जम्मू कश्मीर घूमने चले जाते हैं, घूमने में जितना पैसा आप खर्च करके आते हैं वो जाने अनजाने आपका पैसा किसी न किसी तरह आतंकवादियों के हाथ में पहुंच जाता है, क्योंकि सरकार में उनके लोग बैठे। मैंने एक दिन सोचा कि आर्मी जब युद्ध लड़ती है तो उसका पहला टारगेट होता है कि दुश्मन की सप्लाई लाइन काटो, तब युद्ध जीतते। तो मेरे मन में आया कि जम्मू कश्मीर को जो सप्लाई लाइन है, एक तो सरकार की है और दूसरे आप जैसे लोगों की है जो हर साल जून मई के महीने में घूमने के नाम पर वहां जाते हैं, हजारों करोड़ खर्च करके आते हैं, वो पैसा उनको मिलता है और वो पैसे से उनका आतंकवाद पलता है। मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय नागरिक जम्मू कश्मीर का प्रवास करना अगर बंद कर दें, एक दो साल के लिए ही बंद कर दें, तो समाज में जो पैसा वहां पहुंच रहा है वो बंद हो जाएगा, जम्मू कश्मीर छक मार के हिंदुस्तान में वापस आ जाएगा, क्योंकि उनकी दम नहीं है। आप पैसा देना बंद कर दीजिए, और ये तभी संभव है जब आप जम्मू कश्मीर में घूमने के लिए जाना बंद कर दें। हर साल लाखों करोड़ों हिंदुस्तानी वहां जा रहे हैं, और वहां एक बड़ा मंदिर है वैष्णो देवी का, वहां मत्था टेक कर आ रहे हैं, करोड़ों रुपया उस मंदिर को दान में जा रहा है, और वो वैष्णो देवी जी का श्राइन बोर्ड है वो पता नहीं कहां पैसा खर्च कर रहा है, आपको कुछ मालूम नहीं। मेरी आपको विनती है, माता जी की पूजा करनी है दुर्गा माता की तो हुगली में भी है, वैष्णो देवी में ही क्या है, हुगली में भी पूजा हो सकती है। और भारत में तो कण कण में भगवान है, तो जम्मू जाके कटरा जाके वहीं पूजा करना, हमारे यहां तो कण कण में भगवान है। तो जिस दिन भारत के 110 कोटि नागरिक एक साथ ये ऐलान कर दें कि हम जम्मू कश्मीर तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि आतंकवाद खत्म नहीं होता, मैं आपको गारंटी देता हूं एक दो साल ज्यादा नहीं आतंकवाद खत्म हो जाएगा। ये तो मेरी आपको विनती है। और दूसरी एक विनती है, अभी जानते हैं जम्मू कश्मीर में एक नया खेल शुरू हुआ है, वहां के लोग कंधे पर रख के शॉल ले लेके आते हैं और आपके हुगली में बेच बेच के हजारों लाखों रुपए लेके जाते हैं। आप जानते नहीं कि उनमें से कौन आतंकवादी है और कौन सच्चा हिंदुस्तानी है। पश्मीने के शॉल 10-10 हजार रुपए के इस हुगली में बेचने के लिए हर साल जम्मू कश्मीर के लोग आते हैं और यहां बेचकर जाते हैं, आपका पैसा वहां पहुंचता है। तो जम्मू कश्मीर से अगर कोई आया हुआ है तो हाथ जोड़कर उसको विनती करिए कि हम तुम्हारा शॉल तब तक नहीं खरीद सकते जब तक कि जम्मू कश्मीर घोषणा ना करे कि हम भारत के अभिन्न अंग हैं, हम नहीं खरीद सकते, बात खत्म हो गई। तो उनका सामान यहां बिकना बंद हो जाए, आप लोग जो करोड़ों की संख्या में हर साल जम्मू और कश्मीर जा रहे हैं वहां जाना बंद कर दीजिए, आतंकवाद की समस्या हल हो जाएगी।